आज का वेदर बहुत अच्छा हो गया है और शायद शाम तक बारिश भी हो जाए, तो बारिश का मज़ा लेने के लिए हम निकल गए हैं अपने घर से मरीन ड्राइव की तरफ। और रास्ते में कुछ व्यूज़ के साथ साथ हम आपसे मिलेंगे कुछ देर में मरीन ड्राइव पे। और यहाँ मैं अपनी ट्रेन का वेट करती हुई, एंड आप देख सकते हैं बाहर का मौसम कितना सुहावना हो गया है और बस लग रहा है कि अब कभी भी बारिश हो सकती है एंड फाइनली हमें इस गर्मी से राहत मिलेगी। बट बारिश तो आई नहीं, लेकिन मेरी ट्रेन ज़रूर आ गई, तो यहाँ मैं जा रही हूँ अपनी ट्रेन कैच करने। और हाँ, मुंबई में ट्रेन आपको इतनी खाली भी मिल सकती है अगर आप 5:36 से पहले ट्रेन लेते हो तो। नाउ एंजॉय द व्यू। मेरे घर से चर्चगेट स्टेशन तक का सफ़र इतना लंबा होता है कि इसमें लाइक आप 2 से 3 झपकी तो आराम से ले सकते हो, और मैंने भी यहाँ पे एसी ट्रेन का मज़ा लेते हुए 1-2 झपकी ले ली थी। एंड गाइस, चर्चगेट स्टेशन की हालत मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब शाम होते ही यहाँ इतनी ज़्यादा क्राउड हो जाती है, मतलब पीपल आर लाइक वेटिंग फॉर द ट्रेन टू अराइव और वो बिल्कुल धमाकेदार एंट्री मारते हैं ट्रेन के अंदर। मतलब मैं बाहर तक नहीं निकली थी एंड पीपल आर लाइक मुझे आने दो, और धक्का मुक्की करते हुए दे ऑल गेट इन टू द ट्रेन। एंड यू कैन सी वो बाहर से ही मुझे इशारे कर रहे थे कि आप पीछे चले जाओ बिकॉज वो बहुत ही जल्दी में ट्रेन के अंदर आने वाले हैं। और फाइनली मैं बाहर आ गई ट्रेन के, मुझे तो लग रहा था मैं कहीं अटक ना जाऊं, बट नहीं, कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। चर्चगेट स्टेशन से मरीन ड्राइव आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे है, अराउंड 1 किलोमीटर, आप आराम से वॉक करते हुए वहाँ जा सकते हैं। एंड अभी धूप भी थोड़ी सी निकल गई थी, जो हमारे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि इसी बहाने हमें मरीन ड्राइव का वो सनसेट व्यू मिल जाएगा। सो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हम पहुँच गए थे मुंबई के बहुत ही फेमस मरीन ड्राइव पे। एंड मरीन ड्राइव का व्यू तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, यहाँ पे इतना 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 क्राउड होता है, लाइक आप किसी भी दिन चले जाओ, चाहे वीकडेज में जाओ चाहे वीकेंड पे जाओ, यहाँ का क्राउड आपको कभी भी कम नहीं मिलेगा। एंड कुछ देर खड़े होने के बाद फाइनली हमें भी सीट मिल गई बैठने के लिए, और यहाँ बैठ के हमने ये ब्यूटीफुल सा व्यू इन्जॉय किया मरीन ड्राइव का, वो फेमस सनसेट व्यू। लेट मी शो यू फ्रॉम बैक साइड। मुंबई की गर्दी में ये एक ऐसी जगह है जो बहुत ही सुकून वाली फीलिंग देती है, एंड अगर ऐसा व्यू मिले तो बंदा घंटों यहाँ बैठ सकता है, तो आप भी इन्जॉय करो इस व्यू को। सनसेट होने के बाद हम निकल गए मरीन ड्राइव का चक्कर लगाने के लिए। एंड जब भी आप मरीन ड्राइव के लेन में इस तरह से वॉक करोगे ना, आपको अलग अलग जगह पे ना डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हुए मिलेंगे, स्पेशली अगर आप संडे मॉर्निंग को आते हो, उस दिन तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है एंड बहुत तरह के एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। जैसे ये अभी एक्टिविटी हो रहा था, काफ़ी अच्छा मज़ेदार था, इस तरह के एक्टिविटीज़ आपको संडे मॉर्निंग को बहुत सारे मिलेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर संडे मॉर्निंग का भी ब्लॉग बनाऊँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको ये वीडियो, ये ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप आगे भी ऐसे व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ट्रैवल व्लॉग लेके आऊँगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।